बम्पर ड्रा जैसा भी सब लग ही रहा है आपको कि इसमें, और जैसा रियल जिंदगी में भी हमें, हम सब कुछ भी काम करें, कुछ भी परेशानी उठाएं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में एक बार सब चाहते हैं कि एक बार ऐसा ड्रा हो जिसमें अपनी लॉटरी या अपना बम्पर खुश बम्पर हो जाए, ज़िंदगी बम्पर हो जाए वो। तो बम्पर ड्रा एक समाज के उन उस तबके कहानी है जिसमें चाय वाले, रिक्शे वाले, दूध वाले, सब्जी वाले, और जैसे हम लोग मुंबई में रहते हैं, एक कॉमर्शियल हब है और इसको रन करने के लिए बहुत बड़ा तबका एक काम करता है जिसमें डेली का सर्वाइवल है, रोटी कपड़ा और मकान की सबकी ज़रूरत है, लेकिन सबके सपने हैं। ये फिल्म उसी को लेके बहुत अच्छे से कोशिश की कि माला माल बिकली के बाद एक अलग तरीके की जो है वो रियलिस्टिक कॉमेडी जिसको बोलेंगे वो डिज़ाइन करने की कोशिश, कोई दूर दूर तक नहीं, कोई माला माल बिकली एक लॉटरी को लेके है और ये फिल्म जो है वो इनको लेके है। तो लॉटरी और इनमें कोई समानता नहीं है, बिल्कुल अलग अलग तरीके के थॉट, अलग अलग तरीके का जीवन है दोनों। उसमें बहुत मासूम लोग हैं माला माल बिकली में, गांव के लोग हैं, और इसमें जितने कैरेक्टर हैं मुंबई के कैरेक्टर हैं, भिंडी बाजार के कैरेक्टर हैं, इधर मलाड के कैरेक्टर हैं, पूरे मुंबई के अलग अलग कोने कैरेक्टर हैं। जागीर भाई बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और इनको हम काम तो अभी कर रहे हैं 10-5 साल से इनके साथ, इनको 10 साल पहले से भी जानता हूँ क्योंकि ये थिएटर के बड़े बड़े अच्छे, बड़े संवेदनशील एक्टर्स में एक आते हैं और इनका मैं बहुत फ़ैन हूँ। बड़े अच्छे अभिनेता रियल लाइफ में और बहुत अच्छे इंसान रियल लाइफ में हैं, तो इसलिए दोनों की पड़ती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मज़ा करते हुए खूब फिल्म करते हैं। उनकी गालीस जो थी अब उनको एक अलग तरीके का, मतलब अब समझ तो सब जाते हैं कौन सी, क्योंकि स्ट्रीट की एक भाषा होती है एक्चुअली, और जाकिर भाई जो है वो स्ट्रीट के एक ऐसे व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें गालियां गहना है, लेकिन उनको एक बहुत ही सिंबॉलिक तरीके से और बड़ी उस तरीके से उनको मोड़ दिया गया। तो वो गाली वाले जब जब सीन हुए जाकिर भाई के साथ, तब तब कट भी हो जाने के बाद बहुत सारा हंसी मजाक चलता रहता है। म्यूज़िक फिल्म के हिसाब से है, फिल्म का जो टेक्सचर है उसके हिसाब से फिल्म को जो है, और म्यूज़िक हम हमेशा मानते हैं कि फिल्म से अलग नहीं होता म्यूज़िक, म्यूज़िक का जो होता है वो स्क्रीन प्ले के अंदर, एक स्क्रीन प्ले होता है जिसमें 50-100 सीन होते हैं और जो गाने होते हैं उनके बीच में होते हैं, इसलिए मैं म्यूज़िक और ड्रामा कोई बोलते ना आप, अगर पद्य और गद्य है ना एक मिले, जहाँ पे ड्रामा आए और बीच में संगीत आए, तो संगीत की लाइनें और ड्रामा की लाइनों में सिमिलैरिटी हो ताकि कहानी में कोई लोचा ना हो।